दो बात करनी थी। क्या? जैसी फैक्ट्री का उद्घाटन हो जाए मैं भाभी से अपनी शादी की बात करूंगा। काटे नहीं कटते हैं लम्हे इंतजार के। वाह अति सुंदर। काटे नहीं कटते हैं लम्हे इंतजार के, नजरें जमा के बैठे हैं रस्ते पे यार के। वाह वाह क्या बात है, मजा आ गया। भैया जी शेर बिल्कुल आपको सूट कर रहा है। दिल ने कहा देखे जो जलवे हुस्न यार के, दिल ने कहा देखे जो जलवे हुस्न यार के, लाया है कौन इनको पलक से उतार के। वाह 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 नमस्ते डॉक्टर चाचा। हाँ जी जी रहो बेटे। डॉक्टर चाचा वो शेर जो आपने अभी अभी सुनाया वो जरा एक बार फिर से सुनाइए ना। क्या बात है छोटे मियाँ, आज आपका मिजाज बड़ा शायराना हो रहा है। इससे पहले तो जनाब से कभी दाद नहीं मिली थी। डॉक्टर साहब आज तक तो शेरों की गहराई भी तो नहीं समझ पाए थे। डेप्थ क्यों निशा जी, अब भैया जी। डॉक्टर चाचा वंस मोर प्लीज। ओके। काटे नहीं कटते हैं लम्हे इंतजार के, नजरें जमा के बैठे हैं रस्ते पे यार के, दिल ने कहा देखे जो जलवे हुस्न यार के, लाया है कौन इनको फलक से उतार के। छोटे भैया बहुत अच्छे। आइए जीजाजी। अरे कहाँ ले जा रही हो राजेश बेटा को? ये हमारे पास बैठेंगे पापा, ये सब इनसे मिलना चाह रही हैं। ठीक है भाई तुम्हारे जीजा ले जाओ। जी आप लोग भी आइए। हम भी? आपकी भी तो खातिर होगी। दाल में कुछ काला है भैया जी? मुझे काली दाल बहुत पसंद है। तो क्या करते हैं? देखते हैं। भाइयों हम अभी आते हैं, चलिए। सुनिए क्या है? आप वहां ना जाएं। क्यों? वहां खतरा है। खतरा? बैठिए जीजा जी, आप भी बैठिए। हम यहाँ बैठे? आइए ना भैया जी, आइए 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 आइए, जल्दी आइए, आइए ना भैया जी। बैठे बैठे बैठने पर आवाज नहीं आएगी। हाँ। क्या कहा आपने? जी कुछ नहीं, आप बैठिए। हाँ चलेगा। इधर पहले हम जरा तहकीकात करेंगे। मेबी श्योर। सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। तो बैठिए। हाँ बैठेंगे मगर एक शर्त है, पहले बैठेंगी आप लोग। ऐसे कैसे हो सकता है, मेहमान तो आप हैं, आप बैठिए। जी नहीं, वी आर जेंटलमैन, लेडीज फर्स्ट। क्या बात है प्रेम? भैया जहाँ हो आपकी प्यारी प्यारी सालियाँ, वहाँ बड़े फूक फूक के रखने पड़ते हैं कदम। पापड़ मैं अभी आई जीजा जी। सुनिए जाते जाते ये तो बता जाइए कि हम बैठे कहाँ। आइए हम आपको सबसे स्पेशल सीट देते हैं, आइए शर्माइए मत, आइए आप बैठिए वहाँ उस पर। वाओ वाकई जीजा जी का जवाब नहीं, दिस इज सो गुड एंड दिस इज ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। और चलिए मैं आपको भैया की सबसे ब्यूटीफुल पेंटिंग दिखाता हूँ, चलिए ना। चॉकलेट? ओ चॉकलेट, थैंक यू। आइए ना। कैसी लगी? आपको बजाना बजाना भी आता है, सिर्फ पोज लेके खड़े हैं? लोग कहते हैं बड़ा अच्छा बजा लेते हैं, बाकी जवाब सुनिएगा फैसला कीजिएगा। ओ, मैं तो भूली गई, जीजी ने आपके लिए ये गिफ्ट भेजी है। भाभी ने? वाओ हमने तो बहुत मना किया, कहा क्या जरूरत है, खुली। वाओ ब्रोच, इसे कोट पर लगाकर घूमिएगा, गर्लफ्रेंड्स पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। निशा जी, निशा जी इसे लगाने में मदद कीजिए ना। हटिए।
सॉरी चुभा, तो यूं ही? यूं ही? चुभता तो ऐसे लगता ना? Very smart. Ouch! क्या हुआ? इस बार चुभा? चुभता है तो ऐसे ही लगता है. भैया जी? मामा जी, ये लेडीज प्रोग्राम बड़ा जोरदार होता है क्या? बिल्कुल. आपको कैसे मालूम? अरे बचपन में छिप छिप क्रम साफ देखा करते थे. लड़कियों की पोशाक पहनकर महफिल में बैठ जाते थे. क्यों डॉक्टर? व्हाट मामा जी, शेम शेम. अरे तुम लोग तो शरीफ बच्चे हो, है ना? अरे अपने बड़े तो बड़े चालू निकले रहे. हाँ. हम लोग तो कभी ऐसा ना करे. क्यों चले क्या? चलो निशा, अब तुम लोग अपना प्रोग्राम शुरू करो. हाँ. चाची. नमस्ते. नमस्ते. क्या बात है, आप लोग यहाँ क्यों बैठ गए? वो क्या है चाची जान, हमें प्रोग्राम देखना है. क्या? भोला जी को देखना है. किसको देखना है? एक मिनट. भोला बेटा, ये लेडीज का फंक्शन है, आप लोग बाहर जाइए. हाँ जी, बाहर मिलेंगे. लल्लू चाय लाऊं? हम तो जाओ. हाँ. चलो भैया जी, चलो चलो. भोला बेटा, तुम इन दोनों के चक्कर में मत आना, ये बेशरम लोग हैं, तुम्हें भी बिगाड़ देंगे. आप क्यों हंस रही हैं? यूं ही निकलो बाहर. ऐसे चची जान कमरिया लचक जाएगी. चल गेट आउट. लीजिए जी, आपकी बला टली. एक्सक्यूज मी. अरे, ये क्या हो रहा है? आप डिस्टर्ब हो रही चाची जान, आप कैरी ऑन. भैया जी, मामी जी का क्लोजअप लेंगे. क्यों मामी जी? मेरा क्लोजअप? अरे ले ले बेटा, ले ले. एक मिनट, ये कौन सा रहा चक्कर है? हाँ. ओफो भाभी जी, बहू का इतना बड़ा फंक्शन है, बच्चे मुझे वीडियो पर कवर कर रहे हैं, है ना प्रेम? मैं क्या डॉक्टर नहीं साहिबा, एना ने कोई वीडियो शेडियो नहीं खींचना, असा भी जमाना वेख्या है, ऐते कुड़िया ने दाने डालन वास्ते आए ने. व्हाट इज कुड़ी? ठहर, मैं दसिया तेनू, मेरी सैंडल तो ला ला. सैंडल. हाँ और क्या, सब लड़के लोग बाहर निकलो, चलो निकलो. देखा, ये है जेंटलमैन. चलो ऑल मैन आउट. अरे फोटो. ठहरो, क्या है? अरे ठहरो. सुमन, मैं नहीं जानता दुनिया मेरे और तुम्हारे रिश्ते को क्या नाम देती है, इस रिश्ते की क्या सीमाएं हैं, मैं नहीं जानता. अगर मैं जानता हूं तो बस इतना, मैंने प्यार किया है तुमसे. ये प्यार नहीं तो और क्या है सुमन? तुम हंसती हो तो मैं हंसता हूं, तुम रोती हो तो मैं रोता हूं, और जब प्यार होता है ना तो दिल को चोट पहुंचती है. की गहराई को मैं पहले समझ पाती, काश पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन तक पहुंचा पाती. लो, तुम जीत गए, आइंदा कभी भूखे मत रहना. महाशय, गौर कीजिएगा, खाना इन्होंने भी नहीं खाया है. खुद खा लेगी. हाँ, तुझे खिलाना पड़ेगा, खिला. सुमन जरा चल तो. कहाँ आंटी जी?
चल जरा प्रेम से उसकी शादी की बात कराए। जी जी हाँ, सोचती हूँ जितनी जल्दी हो सके इस घर में बहू ले आओ। चल आजा। जी आजा। शिट। प्रेम। हाय माँ। दफ्तर जा रहा है बेटे? हाँ, क्यों? कुछ नहीं, नाश्ता कर ले और थोड़ी देर बैठ हमारे साथ। श्योर माँ। आओ। क्या हुआ? ना कुछ भी तो नहीं। प्रेम, हम लोग तेरी शादी की बात करने आए हैं। शादी? हाँ, तेरे लिए लड़की ढूंढ ली है ना मैंने। क्या हुआ रे? जैसी तूने कहा था बिल्कुल वैसी है वो। वो लड़की सलवार कमीज चूड़ीदार वुड़ीदार कुछ नहीं पहनती। पहनती है तो बस जीन्स स्कर्ट मीडी मिनी बस। लेकिन माँ मेरी बात तो सुनना। अरे घबरा मत, उसके बाल बिल्कुल बड़े नहीं है, छोटे छोटे है, पॉप कट। अरे वो ये है वो है, खुश। मामा मामा माँ तू बैठ, माँ तू बैठ, माँ तू बैठ। देख माँ ने। अरे ले, कितने प्यार से दे रही है। थैंक यू माँ। कल मैंने बहुत सोचा। अच्छा? तू एकदम सही कहती थी, ऐसी लड़की घर का कामकाज थोड़ी करेगी। अरे मटर थोड़ी छिलेगी माँ। छिलेगी, जरूर छिलेगी। क्यों सुमन? और नहीं छिलेगी तो छिलवाएंगे हम। मामा 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 मामा, लेकिन माँ बड़ों की इज्जत, हम उम्र से अपनापन, छोटों से प्यार, ये सब थोड़ी करेगी माँ। नहीं पंप, पंप, पंप। नहीं करेगी तो क्या करे? माँ तू ऐसा कर। क्या? तू अलग किस्म की लड़की ढूंढना। तू पास में ढूंढ। तू अपनी पसंद की ढूंढना। मेरी पसंद चलेगी? तू चलेगी क्या? तू बोलना, दौड़ेगी दौड़ेगी माँ। सुमन सुमन नहीं चलेगी। नहीं माँ तू कहती है तो डन चलेगी। ए बेटे इतनी जल्दी नहीं है, तू दो चार दिन और सोच ले फिर बताना मुझे। अरे मामा 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 चलेगी माँ। मैं चला माँ, बाय माँ। माँ लेट मी गो प्लीज माँ, माँ प्लीज 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 माँ, लव यू माँ। उन्होंने ये हमें दिया है, आप क्यों चल रही हैं? चलिए मुंह उधर कीजिए। कौन है? प्रेम? सुनो तो प्रेम, तुम्हारा जन्मदिन मनाए बगैर कैसे जाता? बस अब यहाँ पे आ जा। तोहफे कैसे लगे? बहुत अच्छी ड्रेसेस हैं, पहन के बताऊं? एक ड्रेस और है। कुछ ऐसी। पहन के बताऊं? पैर का दर्द कैसा है? हल्की सी मोच ही तो है, ठीक हो जाएगी। बैठो। सुमन, I'm sorry. दोस्ती का एक उसूल है मिस्टर, नो सॉरी नो थैंक यू। ओके सुनो, ये दवा वहां पे रख दो। सुमन, दवा मैं लगा दूं? मैं आंखें बंद रखूंगा, प्रॉमिस। सुमन तुम जानती हो माँ मेरे बारे में क्या कहती है? क्या? कि जहां पे भी लड़का जाता है तो उस पनाह फिरता है, देश में विदेश में, लेकिन तुम उन सब से अलग हो सुमन। तुम, तुम्हारी बातें उन सब से जुदा हैं, पता नहीं क्यों। तुम जानती हो? कुछ बोलोगी नहीं सुमन? प्रेम हाँ
तुम आंखें खोल सकते हो। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं। पूनम, शादी के बाद ये हमारा कमरा होगा। चाचा चाची की ये फोटो मैंने सोम सरोवर में चुपके से खींची थी, खास इस साइड टेबल के लिए। पता है पूनम, कभी कभी सो क्या हो? कुछ नहीं, तो बता क्या सोच रहे थे तुम? पूनम, हमेशा मैं क्या सोचता हूँ, क्या महसूस करता हूँ, इसी के बारे में बात करें। जरूरी तो नहीं तुम क्या सोचती हो, क्या महसूस करती हो, वो भी तो जरूरी है। हम साथी हैं पूनम। आज चाचा जी को पकौड़िया परोसते समय दिल भर आया, बड़ी मुश्किल से आंसू रुक पाए। पूनम, मैं तुम्हें अपने कमरे में लाया ये सोच करके तुम्हें अपनी नई कबर्ड, अपनी राइटिंग टेबल, अपना नया कंप्यूटर दिखाऊंगा। कभी ये नहीं सोचा ये तुम अपनी कबर्ड, अपनी राइटिंग टेबल, यहां तक कि अपना सरनेम भी छोड़कर आ रही सिर्फ मेरे लिए, हमारे लिए। पूनम, मैंने फैसला किया, हम हर साल पूरा एक महीना मधुपुर में बिताएंगे, फिर कोई मुझे घर जमाई कहे तो कहे, आई डोंट केयर। अब अच्छा, मैंने सुना है कि शादी की तारीख आते आते लड़कियां कुछ पागल सी हो जाती हैं अपने वेट को लेके। नो क्रैश डाइट्स फॉर यू, 10-15 किलो ऊपर नीचे हो जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता। सहरा से जाके घोड़ी चढ़ के जब तुम आओगे तो जानते हो क्या होगा? क्या? हमारे गली के कई घरों में चूल्हों पे रोटियां जल जाएंगी। क्यों? सारी लड़कियां दूल्हे को देखने छतों पे जा जाएंगी। अरे 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 पूनम, जाने का वक्त हो गया। जी भाभी। भाभी सिर्फ 2 मिनट प्लीज। ठीक है, जल्दी आना। कितनी बातें करेंगे। चलो। पूनम, मन तो करता है तुम्हें जाने ना दो, दिल्ली घुमाओ, सब जगह दिखाओ, लेकिन हम इंतजार करेंगे, तुम्हें भी तो यही सही लगेगा ना? और देखा जाए तो ये सही भी तो कितना है, जब तुम इस कमरे में पहली बार मेरी दुल्हन बनकर आओगी, वो रात इतनी सही होगी कि वहां से देखते चांद सितारे हमारे मिलन के गवाह बनेंगे और हमारे बाद विवाह करने वाले हर जोड़े को हमारी मिसालें देंगे। उस रात इस कमरे में रोशनी नहीं, सिर्फ चांदनी बरसेगी, दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की पर, जो तब तक सिर्फ मेरी हो चुकी होगी, हमेशा हमेशा के लिए। क्या ये सच है पूनम कि तुम जिंदगी भर मेरे दिल के इतने पास रहोगी? और ये भी कि मैं वो खुशनसीब हूं जिसे तुम अपने दिन अपनी रातें सौंपोगी।
Wow, that's sharp. अरे, आप? अरे तुम? What a pleasant surprise. तुम यहाँ कैसे? मेरा तो समझ में आता है. आप यहाँ कैसे? शशि कुमार, fantastic painter. मैं फैन हूँ उनकी. आप मिलिए उनसे. तुम्हें मिलना है? मेरे डैड के बहुत अच्छे दोस्त हैं. मैं तो शशि अंकल कह के बुलाती हूँ बचपन से. अंकल क्या एक्सीलेंट ना एक्सीलेंट. तो साहिल स्टडी कर ली पेंटिंग? जी मैम. तो फिर ये बताओ कौन सा ब्लू इस्तेमाल किया है? कोबाल्ट ब्लू. वाओ यू आर अमेजिंग. थैंक यू मैम. शायद इसीलिए तुम मेरे फेवरेट स्टूडेंट थे. थैंक यू मैम. मैम ये रितु जी हैं. हाय हाय रितु जी. ये शशि कुमार है. आप इन्हीं की पेंटिंग्स देख रही थी. प्लेजर टू मीट यू. आपने झूठ क्यों बोला कि आप शशि कुमार को जानती हैं? बस निकल गया. देखिए सच बोलकर हम चैन से बैठ सकते हैं. झूठ बोलकर हम हमेशा टेंशन में रहते हैं कि कहीं वो झूठ पकड़ा ना जाए और फिर उसे संभालने के लिए झूठ पर झूठ बोलने पड़ते हैं. सॉरी. एक रिक्वेस्ट करूं? आप प्लीज फिर कभी झूठ मत बोलेगा. ओके. और कितना टाइम? अब मैं एक रिक्वेस्ट करूं? जी तुम प्लीज मुझे आप बोलना बंद कर दो. पर वो बात करना बंद कर दो. आप बोलना ही बंद कर देता हूं. एक्सक्यूज मी. गुड. आपका टेबल खाली हो गया है. ओके. Excuse me, ma'am. Two cappuccinos. Okay. तो तुम इनके स्टूडेंट थे? हाँ, मेरे आर्किटेक्चर के कोर्स के दौरान वो मेरी विजुअल आर्ट्स की प्रोफेसर थी. तुमने आर्किटेक्चर किया है? काम भी किया है 2 साल. आर्किटेक्ट था एक फॉर्म में, फिर छोड़ दिया. क्यों? कार्टूनिस्ट बनना था. दोनों साथ में नहीं हो सकते थे? शायद, पर दिन भर ऑफिस में रहने के बाद ऐसा लगता था जैसे मैं मशीन बन गया हूँ. Yeah. जैसे मेरे पास वक्त ही नहीं है. I know. अब मेरे पास ढेर सारा वक्त है वो सब कुछ करने के लिए जो मुझे अच्छा लगता है. एक मिनट अभी आई. Sure. हाँ बुई. रितु वो मेरे दीवाने गाले तेरे पास है क्या? हाँ? मैंने कभी ली है आपकी शायरी की किताबें? नहीं मैंने वो इसलिए पूछा कि पॉइंट पे आओ ना पुई. मुझे पता है आप क्या जानना चाहते हो. वो मेरे साथ है और हम कॉफी पी रहे हैं. ओह तो बात आज गैलरी से कॉफी शॉप तक पहुंच गई. बोली. अच्छा इतना तो बता दे कि बात यहां तक पहुंची कैसे? Call on to the season of love. Come give yourself a reason to love. Call on to the season of love. Come give yourself a reason to love. Crossing all my fingers, baby, don't let it go. This feeling that I'm getting, I haven't felt it long. I surrender myself to you, that's all I want you to know. एक एक सेकंड का हाल बताऊंगी बुई. प्लीज फोन रखना प्लीज. ओके बाय. वाओ मेरा स्केच. क्या मैं इतनी खूबसूरत हूँ? क्या मैं इसे रख सकती हूँ? जी श्योर. ऑटोग्राफ प्लीज. सब तैयार है. मम्मी मुझे लगता है आज आपके लाडले कुछ गहरे चिंतन में हैं. आज से ये सोचना करना बंद. चलो उठो. चलो उठो. आओ साधना प्रेम को एक अंठा पहना दो. ये भाभी का नेग होता है प्रेम. आओ. Wow.
चलो बोल, आज क्यों खामोश है? क्या बोलूं माँ? माँ पूछ रही है तू खुश है कि नहीं। एक बार प्रीति से तो पूछा था क्या वो खुश है। क्या हुआ? सॉरी माँ, मैं पहले ही कहता था इन्हें कोएड में भेजना चाहिए था। चुप साधना, अब तुम ही समझाओ इसे, बुद्धू कहीं का। आनंद बाबू चलिए। चलिए प्रेम भैया, लड़की अपने दिल की बात आंखों से कह देती है, और कैसे प्रीति की आंखों में खुशी ही खुशी झलक रही है। पलकें उठाकर आईने में खुद को एक बार देखो तो सही, प्रीति भाभी। हाय, श्रृंगार पे क्या जादू चढ़ा है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। वकील साहब, ये लीजिए सगाई की अंगूठी। लो प्रेम, अंगूठी पहना दो। क्या बात है विनोद बाबू। मम्मी। अरे मम्मी, मम्मी क्या कर रहा है? आप तो मम्मी का पल्लू छोड़। हाउ क्यूट। भैया, भाभी इंतजार कर रही है। ओ बल्ले बल्ले। प्रीतम जी। जी। आज से हो गई प्रीति ऑफिशियली हमारी। अच्छा, अटेंशन तुम संभालो। प्रेम बेटे, ये डॉक्टर्स हाउसवाइफ कैसी प्रूव होती है ये मेरी गारंटी नहीं। हाँ, इतना कह सकता हूँ ये बेटियां बड़ी प्यारी होती हैं। वाह भाभी जी, क्या पकौड़ियां बनाई हैं आपने। हमने आनंद बाबू, हमें नहीं मालूम था आप इतनी अच्छी कुकिंग भी कर लेते हैं। प्रेम भैया, अब जरा ये चख के बताइए कैसा बना है। नहीं नहीं भाभी प्लीज। क्या हुआ? जी आज पहली बार हमारे बहुत कहने पर आज इन्होंने प्रेम भैया का मनपसंद हलवा बनाया है, मगर अब खिलाने में शर्मा रही हैं, कह रही हैं कि अच्छा नहीं बना है। जी अच्छे बुरे का सर्टिफिकेट तो प्रेम भैया देंगे। चलिए खिलाइए। आइए। ओह वाओ, एक सेकंड। चलो वीडियो भी रेडी है, शूट। आ जाओ। वेरी गुड भाभी। कैसा लगा? अच्छा है। अच्छा कि बहुत अच्छा भैया? बहुत अच्छा है। तो और लीजिए ना। लेता हूँ। लेता हूँ क्या, और लीजिए भाई। भैया का चेहरा कैसे हलवे की तरह बिल्कुल लाल हो गया। वन पोज प्लीज। हाँ ए ए ए। यस सर, रेडी। रहने दो, मने शर्म आवे हैं। अरे कॉन्शियस मत होइए रघु काका। भैया और भाभी के सागे तुम्हारी फोटो खींच रहे हूँ। तुम्हारी फोटो नहीं, थारी फोटो। थारी फोटो। हाँ। ओके रेडी। प्रेम भैया, पिकनिक का सामान बस में रखवा लो। हलवा बहुत अच्छा बना था। पहली बार बना रही थी, डर रही थी पसंद आएगा या नहीं। प्रीति, दोबारा जरूर बनाना। चांदनी रात का मजा आ गया। भैया बाहर तो रोशनी है, लगता है हमारे यहाँ की लाइट गई है। हाँ, ये क्या चक्कर है भाई? मैं देख कर आता हूँ। प्रीति, Thank you.
लाइट आ गई भैया। तुम्हें क्या लगता है विनोद? गुड गुड वेरी गुड आई एम प्राउड ऑफ यू। हाँ मैं अभी आया। पढ़ाई के लिए विलायत कब जा रहे हो प्रेम बेटे? कल रात को दादी माँ। प्रेम ये ले लड्डू और मठरिया, बैग में रख ले। थैंक यू माँ। मैंने नहीं बनाए भाभी आपने। प्रीति ने बनाए हैं, खबरदार इस बार जो दोस्तों में बांटा तो। कब लौटेगा? अभी क्या कह सकता हूँ माँ, बस सिर्फ परीक्षा तक की देरी है माँ, फिर तुम्हारे पास ही रहेगा ये। प्रेम भैया एक काम करना, रोजाना एक लव लेटर प्रीति भाभी की जगह माँ को लिखते रहना। तू फिर बोला? प्रेम फ्लाइट टाइम पर है, जल्दी से नीचे आ जाओ। चले माँ। एक मिनट, तू चल तेरी खबर लेती हूँ। माँ चल। चले तुम रुको। ये आपने बड़ा अच्छा किया वकील साहब, जो भाभी जी के साथ विदेश घूमने जाने का प्रोग्राम बना लिया। हाँ। फ्लाइट में प्रेम का और आपका खूब साथ रहेगा। देख लीजिए रामकिशन जी, आप अपनी श्रीमती को दिया हुआ वचन निभा रहे हैं और हम अपनी मैडम को दिया हुआ। हाँ। वर्ल्ड टूर का। बस भाभी जी ये बनारस का घूंघट कुछ रोज के लिए यही छोड़ जाइए आप, क्योंकि विदेश में तो भाभी जी जीन्स पहनकर घूमेंगे। क्यों वकील साहब? अरे आओ प्रेम आओ। प्रेम आज अपने पापा के साथ बैठो। ये सॉरी एवरीवन, मैं एक इम्पोर्टेंट फोन कॉल कर रहा था। इम्पोर्टेंट फोन कॉल? ओहो सगाई के बाद इम्पोर्टेंट फोन कॉल, समझा करो यार। ये तो अब रोज का सिलसिला होगा भाई साहब। अच्छा ए फोन पे अपने नए रूम के लिए कलर फाइनल किया कि नहीं? येलो कलर मम्मी, नो चेंज। चल प्रेम तू भी अपनी चॉइस बता दे। अरे शादी से पहले मुझे तुम दोनों के लिए नए कमरे बनवाने हैं, इसने तो अपनी पसंद की लंबी लिस्ट दी है। चल तू भी जल्दी से बता दे। मैं क्या कहूँ माँ, जैसा प्रीति चाहे। अरे वाह प्रीति, ये तो वाकई बदल गया। मुझे माफ कर दीजिए अंकल, मैं ये शादी नहीं कर सकता। बेटा मैं जानता था तुम्हारा यही फैसला होगा। जिस देश में बड़े भाई को पिता और भाभी को माँ का सम्मान दिया जाता है, वहां प्रेम उनकी खुशियों को कुचलकर अपने सपनों का महल कभी नहीं बनाएगा। मैं जानता था, मैंने प्रीति को यह पहले ही कह दिया था।